दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस के सिलेबस की। ये तो सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत ही बड़ा है, इसलिए आज हम आपको इस परीक्षा के पूरे सिलेबस को विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस सिलेबस इन हिंदी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न पर एक नजर डाल लेते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। हर परीक्षा अगले चरण के लिए क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इस पूरी परीक्षा का सबसे पहला चरण प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा है। यह परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों में आयोजित की जाती है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसैट कहा जाता है, और ये क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से है। इसका पाठ्यक्रम हम आपको बताते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। पेपर 2 यानी सी सैट का पाठ्यक्रम अब आपको बताते हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंशन, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर है ये। आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, 10वीं कक्षा का स्तर। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मेंस की परीक्षा देनी होती है, जो वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव होती है। इसमें मुख्यतः 9 पेपर होते हैं और मेरिट बनाते समय केवल 7 पेपर को सम्मिलित किया जाता है। 2 पेपर भाषा के होते हैं, जो 300 पूर्णांक में 2 पेपर हैं। इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है और बाकी 7 जो पेपर हैं वो जनरल स्टडीज और निबंध होता है। भारतीय भाषा और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का उद्देश्य इन भाषाओं में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही तरीके से प्रकट करने और गंभीर तर्कपूर्ण गद्यों को पढ़कर उन्हें समझने की उम्मीदवार की योग्यता को परखना है। इन प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों का स्तर 10वीं का ही होता है। प्रश्न पत्र 1 में उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का
भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और हर प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संसाधन, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियों एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक या अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गणित तंत्र, विधि, संसाधन एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की
अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पत्तन, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों में संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों और उनके प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी जो मनोवृत्ति है उसका परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन यानी कि केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं, नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इनके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज तथा शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, सारांश यानी कि कंटेंट संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में लोक यानी सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। तो इन विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी कि केस स्टडीज। तो इसके अतिरिक्त दो प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय के होते हैं जिसके सिलेबस के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्ट पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 ई सैम्पल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें।